आज सुबह ही सुबह बिजनौर में एक पति ने अपनी पत्नी को चाकू मारकर मौत की नींद सुला दिया और खुद भी कोई जहरीली चीज खा ली, जिससे उसकी हालत भी बिगड़ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया और पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पूरा मामला सामने आया है बिजनौर में बुल्ला के चौराहे पर, जहां पर निजामुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की 16 साल पहले शादी हुई थी। दोनों के बीच आपसी मनमुटाव के चलते मुकदमेबाजी चल रही थी। बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन ने इमराना से समझौते की बात करने के लिए उसे बुल्ला के चौराहे के पास मौल्ला रांगड़ान पर बुलाया और उसको चाकू मार दिया, जिससे इमराना की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने खुद भी कुछ खा लिया, जिससे उसकी हालत भी बिगड़ गई। पुलिस को जैसे ही खबर मिली, खुद SPCT मौके पर पहुंचे और इमराना के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए निजामुद्दीन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इन दोनों के 5 बच्चे हैं। SPCT का कहना है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है। ये बुल्ला के चौराहे के पास की घटना है, थाना कोतवाली क्षेत्र की। इसमें एक निजामुद्दीन नाम के व्यक्ति रहते हैं। इनकी 16 साल पहले शादी हुई थी। इनका पत्नी से मनमुटाव चल रहा था। फिर इन्होंने पिछले 1 जनवरी को, जो अभी यहाँ लोगों ने बताया, 1 जनवरी को इसने अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब डाल दिया था। उसका मुकदमा चल रहा था। उसी संबंध में निजाम ने इसको, अपनी पत्नी को, यहाँ बुलाया था कि तुम्हारा बयान होना है, और उसके बाद उसने रात में उसकी चाकू मार के हत्या कर दी। और स्वयं भी कुछ पदार्थ खाया है, विषैला पदार्थ। उसको उल्टी वगैरह हो रही है, उसको उपचार हेतु भेजा गया है। मौके पर फील्ड यूनिट आ गई है और विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। और से भी बयान हुए थे मेरी बहन के, अब 15 तारीख को भी इसका बयान था सर, तो ये बुलावे थे मेरी बहन को। 15 तारीख को गाय का बयान, 15 तारीख को इन्होंने निजाम भाई ने ये बोला था कि 15 तारीख में तुम्हारे बयान होंगे नाजिया, क्योंकि इनको ये डर था। मैं कहाँ बयान होंगे, हम अब भी जेल जा सकते हैं। ये कहाँ बयान होंगे, इन्होंने बताया था निजामू भाई ने मेरी बहन से फोन पे कि तुम्हारे 15 तारीख में बयान होंगे, और आज को इन्होंने ये कह रखा था कि आज तुम्हें नजीबाबाद थाने में जाना है, ना नजीबाबाद से फोन आ रहा है। मेरी बहन आ गई दे रखी है मेरी बहन के, तो ये इसलिए कह रही थी कि तुम हमारी चीज हमें दे दो, हमें इस तरह परेशान मत करो, तो इन्होंने इसलिए इसे बुला लिया।